गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? बढ़िया, आप बताओ, आपके क्या हाल है? मस्त, झकास, खुल गई नींद? चलो खुल गई नींद। अब चलते हैं रामनगर की तरफ। बढ़िया हो गया। तो वही दोस्तों, अभी सुबह के, यहाँ देखो 2:48 का टाइम हो रहा है, 3 बजने ही वाले हैं और हमारी चल रही है सुबह सुबह की चाय। तो वही अभी सुबह सुबह हो गई है और यहाँ देखो चाय साथ में है, बंद फटाफट से खा लेते हैं। खाली पेट वैसे भी कहीं जाया नहीं जाता। बाकी कढ़ाई में भी ऑटो आ जाएगा 3 बजे के लगभग, तब निकलेंगे सीधा रामनगर के लिए। 4:30 बजे की बस है, वो पहुंचा देगी 10 बजे तक ठीक बीरोकाल में। वहाँ से रोडवेज लगी रहती है अपने यहाँ के लिए, तो वो वाली रोडवेज पकड़ने फटाफट से निकल जाएंगे। उसी की वजह से हम इतनी जल्दी उठे हैं। चलो भाई, नवीन भाई तो बिल्कुल फिट फोर हो गए हैं, रेडी, बैग रेडी, नवीन भाई रेडी। बाकी यहाँ के हाल देखते हैं क्या हाल है। अपना ये वाला कट्टा भी रेडी। अरे वाह उस्ताद जी, गुड मॉर्निंग, राम राम, ठीक हो ना? आज भक्त लुट गए आप, चलो ठीक किया आपने। बाकी यहाँ के हाल कुछ ऐसे हैं, सभी उठ चुके हैं। ये वाला बैग एक और एक ये वाला बैग है, मेरा जूता है यहाँ। चलो भाई पग धारको, तुम भी धारण हो जाओ, तुमको धारण करते हैं, उसके बाद तुमको पग चिन्हों पर चलना है। ये है हमारा ट्रैक, जो कि भैया हमको भीषण ठंड से थोड़ा राहत दे सकता है। हमारे उस्ताद जी यहाँ पे सुबह सुबह स्माइल करते हुए। चलो भैया, ऑटो वाले भैया भी आ गए हैं, वही अपने बैग रखते हैं फटाफट से। ये सही है यार, जरा थोड़ा लेट हो गई पर कोई बात नहीं, पहुँच जाएंगे टाइम पे। कुछ आ दो यहाँ, चला ठीक है, बाय बाय। भाई दोस्तों सुबह सुबह हो गया कांड भाई, जैसे ही रामनगर पहुंचे ना, गाड़ी की सारी टिकटें जो हैं वो फुल हो चुकी है और हमारे लिए एक भी सीट नहीं है। ये सारी गलती है हमारे नवीन भाई की, इन्होंने थोड़ा उलटने में लेट कर दिया। हमने इतनी उम्मीद नहीं की थी यार कि इतनी सारी भीड़ होगी, बट यहाँ पहुँचते ही भैया लोग तो पहले ही एडवांस है यार, जबकि हम इतनी जल्दी आ गए थे, फिर भी भैया पूरा फुल हो रखा है यार। अब 6:30 बजे वाली बस का टिकट ले रखा है, अब 2-2.5 घंटे यहाँ पर ऐसे सर में हाथ रख के ऐसे बैठा रहूँगा, जब गाड़ी आएगी, टाइम होगा गाड़ी का, तब जाऊंगा यहाँ से। भाई दोस्तों ये रात सुबह सुबह का माहौल रामनगर बस अड्डे का, तो ये सामने जो है ये अपनी बस लग चुकी है, तो चलो आ गई टाइम से। काफ़ी देर तो सीट में कन्फ्यूज़न हो गई भैया, इसमें ना कन्फ्यूज़न ही होती है। चलो चाय पीते हैं फिलहाल। चलो भाई अपनी चाय आ गई, क्या बात है, चस चस। हम थोड़ा नशे से दूर हैं, हमारा यही नशा है, चस एक बार फिर गिलास न फोड़ा था क्या बात है भाई दोस्तों, ठंड का असर थोड़ा नहीं, काफी ज्यादा हो गया है। बाकी यहाँ देख सकते हो तुम, जड मार भैसा इनका लुक देखो, यहाँ से यहाँ तक बड़े गजब के लग रहे सर। अच्छा है गजब के, क्या बात है। चलो भाई ठंड से बचने का जुगाड़ तो हो गया, ब्यूरो खालता के ले ही जाएगा सेब कानों को और मुझे भी। चलो भाई सभी चीज पैक हो चुका है बिल्कुल बढ़िया से। ये हवा देखो यार, हवा सरकने लग गई यार, हवा ना सरके ना फिर नहीं होती इतनी ठंड। चलो भाई 6 बजने वाले हैं, 6:30 बजे का टाइम है बस का, तैयारी करते हैं भैया निकलने की। बाकी हमारे नवीन भाई तो यहाँ फिट फोर हो चुके हैं, ज़्यादा ही ठंड लग रही है मुझे लग रहा है बिल्कुल सही बात। चलो भाई अब चलते हैं सीधा बस के अंदर, आराम से बैठ जाते हैं अपनी वाली सीट में, उसके बाद मिलेंगे सीधा डायरेक्ट बेरोखाल में। तो भाई दोस्तों जैसे तैसे करके भटकते भटकते पहुंच गए हैं भैया हम शंकरपुर में। तो मैंने कुछ दिन पहले देखा था कि एक भाई का कमेंट आया था कि हमारे शंकरपुर भी आओ, तो लो भैया जी आ गए आपके शंकरपुर में बड़े दिनों के बाद। बाकी मेरे नवीन भाई साहब की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई है भैया, भैया 2 साल से ना गाड़ी में मतलब बहुत ही कम सफर किया, बाहर थे तो वहाँ कहाँ होता था सफर, मतलब ज्यादा नहीं होता था।
और अब जाके हो रहा है तो उनकी हालत भी खराब हो रही है साथ साथ। बाकी दोस्तों एक खुशखबरी की बात भी है, वो खुशखबरी मैं आपको घर जाके दूंगा। और एक और खुशखबरी है, आज भैया भाभी की सेकंड मैरिज एनिवर्सरी है दोस्तों, तो भैया भाभी को अपना आशीर्वाद जरूर दें और कमेंट बॉक्स में बधाइयां भी दें। चलो भाई आज हमको भी मौका मिल गया यहाँ पर उतरने का, पहली बार उतरा हूँ इस वाले मार्केट में, तो बढ़िया मार्केट है यार। टन धूप भी आ गई है, बिल्कुल बढ़िया से सूर्योदय हो गया है, जरा हल्की हल्की धूप सेक लेते हैं, नहीं तो भैया ऐसी कुल्फी जम रही है ना, अगर जरा सी भी कोई खिड़की खोल रहा है ना तो फिर कुल्फी जमनी स्टार्ट हो जा रही है बस में। चलो भाई बैठ जाओ, आप बैठा सिरमाना पर सीट में, तुम्हारी हालत फिर खराब होने वाली है। वही तो बाकी भाई दोस्तों यहाँ देखो भैया मिले हैं हमको, भाई इनसे हमारे रिश्तेदारी हो गई बिल्कुल बढ़िया वाली है ना, तो ये वहीं के हैं जहाँ के हमारे पांडे जी की शादी होने वाली है, जहाँ तो हैं दिन ब्याह में मिलेंगे है ना तुमको। तो भाई दोस्तों फाइनली पहुंच गए हैं बीरोखाल में। हाँ बीरोखाल का मार्केट फिलहाल सुनसान हुआ पड़ा है, अब जाके थोड़ा सा सुकून मिल रहा है। इनको नहीं मिल रहा सुकून इनकी हालत खराब हो गई यार आज, क्या ही बताएं। चलो भाई दोस्तों पहुंच चुके हैं हम अपने गांव में, भाई क्या बात है, अपने यहाँ की हवा अपने यहाँ की होती है। बाकी क्या बोलते हैं, सुबह रात में निकले थे हम 3 बजे और अभी ठीक 3:15 का टाइम हो रहा है भैया, अब जाके पहुंच रहे हैं। बाकी आ ही गए हैं, कुछ बैग भाभी के पास है और कुछ मेरी मूड़ी में लटके हुए हैं। बाकी गांव देखो, गांव ठीक रोज की तरह ऊपर ले सा चला गया है। ओके कुकी चलो भाई दोस्तों अपने घर में भी पहुंच गए हैं और कुकी को देखो तुम, क्या कुकी कोके सामान भी खूब सारा आ गया था, सबसे पहले तो इसको रख देते हैं सीधा स्वर्ग में। चलो भैया स्वर्ग में आपका स्वागत है, फिलहाल लाइट ऑफ है ना, तो एम रहो तुम। बाकी दोस्तों मैं सुबह एक खुशखबरी के बारे में आप सभी को बता रहा था ना, तो चलिए वो खुशखबरी मैं आप सभी को दिखाता हूँ, कुछ लोग ये टॉर्च देख के समझ गए होंगे, तो चलिए वही चलते हैं। यहाँ ये हमारा छन्नी मंत्रालय, खुल जा सिम सिम खुल जा सिम सिम। तो भाई दोस्तों ये है हमारा फुकान सिंह, साथ में यहाँ पे है ये है बिंदी, ये है तुमरू और ये है सानू, और यहाँ देखो भाई दोस्तों ये है देखो नया मेहमान भैया, यहाँ देखो इसने नए मेहमान ने दस्तक दे दी है। इधर देखो यही है हमारी खुशखबरी, यहाँ देखो तुम फुकान सिंह भी आ चुका है, तो बढ़िया से फुकान सिंह ने यहाँ पर देखो इसको जन्म दिया है बिल्कुल बढ़िया से, यहाँ देखो क्या मस्त है। हेलो स्वागत है आपका हमारी इस प्यारी सी दुनिया में। बाकी दोस्तों इधर देखो ये कुछ लुक इसका ऐसा है भैया, कान देखो कितने मस्त है ना इसके, सफेद लाल हल्के हल्के से। बाकी दोस्तों इसका नाम क्या रखे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें यार। इधर देखो भैया फुकान सिंह की नजर भी उसी पर लगी हुई है कि क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, यार देखो उठने की कोशिश कर रही है भाई, क्या बात है यार। ओए होए ओए होए ओए होए ओए होए ओए होए 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 टिचके टिचके उड़ जा जरा उड़ जा, ले 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 उड़ जाओ फुगान सिंह, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अरे वाह देखो तुम एक्सेप्ट कर लिया उसने, थैंक यू ऑल। तो भाई दोस्तों यही थी खुशखबरी बिल्कुल बढ़िया वाली, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि भैया हम इसका नाम क्या रखें, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे अपनी नई थुमरी का नाम है ना, तो
मतलब जो मुझे सबसे बढ़िया लगेगा ना कमेंट बॉक्स में कमेंट किया हुआ नाम, जो फिट बैठेगा तो वो वाला नाम हम इसका रख देंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना फटाफट से। बाकी इसका जन्म जो है वो परसों शाम को हो गया था, परसों शाम को हुआ। हम उस टाइम पे काशीपुरी थे, मम्मी का फोन आ गया था कि बल फुकान सिंह भी आ गया है। अरे सर भाई, राम राम। क्या हाल है भाई? ठीक है, ठीक है। अरे भाई क्या हाल है? ठीक है, वो भी आ गया यार। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद धन्यवाद। मेरी वो रखी है क्या? थरड़ी मिले ना। नया नामकरण भी कर दिया क्या? क्या नामकरण किया? चंपा। अरे कैसा नाम है? ये बहुत अच्छा नाम है, चंपा। अच्छा, चंपा नाम रख दिया भाई। हाँ भाई, चंपा। चंपा दूध पी रही है। तो भाई दोस्तों, 5:34 का टाइम हो रहा है, लगभग सनसेट पूरा हो चुका है और कुछ ही देर में अंधेरा भी हो ही जाएगा। बाकी मंदिर में भी लाइटें ऑन हो चुकी हैं। बाकी यहाँ देखो दोस्तों, भाई मिर्चों का अभी हमारा काम जो है वो भी अभी प्रगति पे ही है, लगातार चल ही रहे हैं। ये देखो, अभी सुखाने के लिए यहाँ एक साइड अलग वाले रखे हुए हैं और एक साइड अलग रखे हैं। बाकी दोस्तों, जिस बाल्टी पे छेद हो जाता है ना, उसमें ना बरसों पुरानी जो टेक्निक है वो काम आती है। साबुन लगा के बिल्कुल हल्का सा उस पर लेप लगा देना है, बिल्कुल उसके बाद फिट पोर हो जाती है। बाकी यहाँ देखो भैया, रोशन भी बिल्कुल तत्पर हुआ पड़ा है। रोशन चला गया। चलो भाई दोस्तों, रात का खाना बनाने की तैयारी यहाँ पे बिल्कुल जोर शोरों से चली रही है। अरे कुछ हम साग वगैरह ले आए थे रामनगर से, तो ये भी बढ़िया हो गया है। बाकी बहुत टाइम से ना ये वाला जो हमारा तौल है ये चलन में नहीं था, तो फुकान सिंह के ब्याह आने से भैया ये भी चलन में आ गया है। चलो भाई दोस्तों, यहाँ देखो लड़िया भी ऑन हो चुकी है बिल्कुल बढ़िया से। अब कुछ ही दिन में इनको निकाल देंगे। बाकी देखो, अभी भी माल लगी हुई है गौशाला के काम में। यहाँ देखो, आजकल भैंस ब्याह रखी है ना, तो उसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो जाता है और काफी काम हो जाते हैं गौशाला में, तो वो भी निपटाने पड़ते हैं। सुर भाई, ज्यादा दिन हो गया यार, जरा दोस्तों को राम राम तो कर दो। राम राम कर दो। चलो दोस्तों, राम राम। कब की है ये? सुबह की। राम राम। सुबह की कहा है, रुमक फोड़ गई अब तो। कोई बात नहीं, शाम का राम राम। ओके। तो भाई दोस्तों, भैया भाभी की आज एनिवर्सरी भी थी, भैया सेकंड एनिवर्सरी, तो कुछ तो लाया नहीं, तो यही ला रखे हैं भैया तुम्हारे फेवरेट बर्गर। क्या करना है इसका? इसका वो केक बना दो। केक कैसे बना दो? हैं? काठी। काठी आ रखा है? वहाँ रख दो ऐसे करके, मोमबत्ती जला दो, वीडियो भी बन जाएगा। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना कढ़ाई भी चढ़ चुकी है चूल्हे में और साग बन रहा है, थड़क रहा है थोड़ा थोड़ा। बाकी इधर देखो भैया, यहाँ निकाले जा रहे हैं कुमार। कहाँ गए थे भाई तुम, इतने कुमार लग गए तुम पे? हम गए थे जल। जल? अभी अभी गए थे? तीन थे तुम? वाह क्या बात है। तीन सौ एल बाट। वाह, आजकल जंगल ही हो शायद है। राजा हो गए जंगल के। आज दिन में दोस्तों चावल नहीं खाए ना हमने, तो रात का देखो खाने के लिए चावल ही रखे जा रहे हैं। तो भात बनेगा, साथ में यहाँ पर साग रखा हुआ है, तो साग बनेगा। जैन भाई, हमको भात नहीं बना है। क्या खाता है? रोटी। रोटी तीन टाइम रोटी। रोटी सड़का रहे था मैं। वैसे आपका जो टोपी है ना वो बड़ी खतरनाक लग रही है मेरे को। कहाँ से मंगा रखी है? ये जापान से। जापान से? भाई लग भी जापान का ही रहा। नाक भी आ रहा है तुम्हारा तो? सर्दी लग रहा है। अच्छा भी ठीक है। तो भाई आपका फुकान सिंह ब्याह गया है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है? दिक्कत तो नहीं उस दिन? दिक्कत सर, रात रहे वो नहीं। कौन था साथ में? कोमल और कोमल यार। अच्छा, तो बहुत थे मतलब साथ में। नामकरण भी आपने कर दिया उसका है? चंपा है उसका नाम। चंपा की पुरकी नहीं, चंपा। अच्छा ठीक है। चलो भाई, खाना खाने का टाइम हो गया है, फटाफट से खाना खाते हैं। यहाँ देखो खाने में आज है भात और गोभी। ये तो सब गाने भी लग गए बिल्कुल फटाफट से। तुम सटासट सट गाने लग गए हैं। चम है, इंतजार भी नहीं किया तुमने तो। चटपटू बन रहा है। अच्छा ठीक है। हो गया है खाना पीना दोस्तों बिल्कुल बढ़िया से। अब लास्ट काम बचा है मेरे पास एडिटिंग का, तो एडिटिंग निपटाता हूँ फटाफट से। नींद आ रही है बड़ी भयंकर, रात के 2:30 बजे उठ गए थे और तब से अब तक भैया उठे ही हैं। नींद इतनी खतरनाक आ रही है, थकान भी लग रही है, शरीर ऐसा हो गया कि भारी सा हो गया है। बाकी फटाफट से एडिटिंग करते हैं, उसके बाद
सो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, यही था आज के पूरे दिन का हाल। कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, सबके साथ शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आप सभी को अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, टेक केयर, बाय।